रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा भागलपुर से खगड़िया के लिए रवाना हो गए हैं। भागलपुर निवासी पूर्व उपमहापौर राजेश वर्मा आज से अपने चुनावी अभियान का श्रीगणेश कर रहे हैं। खगड़िया जाने के पूर्व मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजेश वर्मा ने कहा कि मैं लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे खगड़िया का प्रत्याशी बनाया है। खगड़िया लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की गृह भूमि है। मुझे पूरी उम्मीद है कि खगड़िया की जनता मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद देगी। खगड़िया के बात करते हुए लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने कहा कि मैं भागलपुर में डिप्टी मेयर रहते हुए आम लोगों की समस्याओं को जाना और समझा है, जो मुझे आगे जनता की सेवा करने में मददगार साबित होगा। साथ ही राजेश वर्मा ने कहा कि खगड़िया में मक्का, केला, दूध, मछली का भरपूर उत्पादन होता है, जिसको देखते हुए रामविलास पासवान ने वहाँ प्रिस्टिन फूड पार्क की शुरुआत की थी। ऐसे में वहाँ फूड प्रोसेसिंग की काफी संभावनाएं हैं। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैं खगड़िया जा रहा हूं। लोगों का आशीर्वाद मिला तो काफी तेजी से खगड़िया का विकास होगा और ये प्लेटफॉर्म देने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, तो मैं इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मतलब एक इतना बड़ा एक मौका दे दिया कि जो मेरे लिए अब तक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको ले रहा हूँ। बिल्कुल बगल का जिला है जहाँ पर पारिवारिक रूप से बहुत लोग हैं, आना जाना लगा रहा है, राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से भी, तो सभी मद्देनज़र से खगड़िया आना जाना कई बार लगा रहा है। तो मुझे लगता है जो लोग जब पूरी तरीके से रूबरू हो जाएंगे, मुलाकात हो जाएंगे, तो लोगों का भी ये एहसास भी नहीं होगा कि ये शख्स कोई हमारे पड़ोसी जिला का भी शख्स था क्या। उनको हमेशा ही लगे कि हमारे खुद के जिला में मुझे इतना प्यार देने वाला इस बार जो है प्रत्याशी मिला है। भागलपुर तो फिर भी बहुत अर्बन एरिया है और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो वहाँ रूरल एरिया ज़्यादा है, तो जब संभावनाएं बहुत है वहाँ जी, और संभावनाओं के पीछे का कारण क्या है कि मक्का, केला, दूध, मछली, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो फूड प्रोसेसिंग, अगर हम लोग प्लांट जो कि प्रिंस्टिन फूड पार्क का उद्घाटन हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था यही सोच के कि हज़ारों युवाओं को वहाँ पर रोज़गार मिल पाएगा, तो मुझे लगता है जो उनका अधूरा सपना है वो हम लोग वहाँ पर पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि देश भर में वहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है और लोग बाहर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर उत्पाद कर रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं, तो हम लोग अपने ही जिले में क्यों नहीं इस चीज़ को कर सकते। तो मुझे लगता है कि मेरी प्राथमिकताओं में ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्या लगता है मोदी जी की गारंटी में, राजेश वर्मा की गारंटी चल जाएगी क्या वहाँ? देखिए, जब पिछले बार जब 2019 का चुनाव था तो तीन घटक दल साथ लड़ रहे थे और जदयू, लोजपा और भाजपा, तब हम लोग 40 में 39 सीट जीत कर आए थे। इस वक्त पांच घटक दल हैं, इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जी भी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी साथ हैं, तो मुझे लगता है जो एक सीट जो हम लोग पिछले बार लूज किए थे किशनगंज, इस बार वो 40 की 40 सीट पाने का हम लोग काम करेंगे। वहीं आज सबसे पहले राजेश वर्मा कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम पहुंचे, वहां उन्होंने गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया और फिर भागलपुर की गंगा तट पर स्थित बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ और मैया का आशीर्वाद लेकर खगड़िया के लिए रवाना हो गए। ये थे राजेश वर्मा जो बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके अब खगड़िया के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, जिन्होंने साफ कहा कि कोई बाहरी और स्थानीय वाला जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो इसी भागलपुर में और भागलपुर लोकसभा की जो सीमा है, खगड़िया लोकसभा की सीमा वहीं से शुरू होती है, और बहुत विश्वास के साथ इन्होंने कहा है कि जैसे ही लोगों के बीच ये जाएंगे, मिलेंगे और उनसे इन्हें अपनत्व मिलने की पूरी संभावना, रामविलास पासवान की धरती है तो ये एक बड़ा लाभ इनको मिल सकता है। मोदी गारंटी में 40 की 40 सीटें जीतने का इन्होंने दावा किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी एन प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर आज पांचवें दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर छोटेलाल शाह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के द्वारा कहलगांव के मुकेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करना हमारा प्रमुख एजेंडा रहेगा। देखिए, हमारा मुद्दा तो हम लोग पिछले 2 वर्ष से पूरे देश में जनता जो कर्ज में दबी हुई है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और कर्जे के कारण जो जनता मर रही है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आज हमें सड़क से संसद तक का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हम लोग सड़क पे भी आए, सरकार के पास भी गए, सरकार से हाथ जोड़े, विनती किए, लेकिन वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जनता मर रही है, इसके लिए हमें अब जनता की अदालत में आने की ज़रूरत पड़ी, तो आज हम जनता की अदालत में आने के लिए अपना पहला कदम रखें और आगे से अब जनता ही तय करेगी कि सदन में किसे भेजना। देखिए, भागलपुर क्या पूरे देश में सबसे बड़ी मुद्दा है जनता, जो जनता कर्जे से दबी हुई है, कर्जे के कारण मर रही है। आम जनता
छोटे तबके के लोग, छोटे व्यवसायी कर्जे से मरी हुई है और सरकार बड़े बड़े लोगों को मदद कर रही है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है कर्जे से दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाना, उन्हें कर्जे से बाहर निकालना। वहीं एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हरे राम निराला यादव ने भी नामांकन किया। हरे राम निराला यादव पीरपैंती से हैं, उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार पूरे जोशो खरोश के साथ नामांकन करवा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो जनता की कसौटी पर कहां तक खरे उतर पाते हैं। भागलपुर की जो समस्या है उसका होगा, बेरोजगार नौजवान जो है उनको जो है उनके डिग्री और सम्मान के आधार पर उनको जो है रोजगार मिले, यह मुद्दा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोड की मुद्दा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो खंडहर में तब्दील है उसको निखारने का काम होगा, यह मुद्दा होगा मेरा। और सबसे बड़ी मुद्दा मेरा यह होगा कि मेरी ऊर्जा आपको ऊर्जावान बनाएगी, बुझे हुए दीप को रोशनदान बनाएगी, एक बार मौका मिला तो भागलपुर को विश्व का पर्यटक स्थान बनाएगी, जहां सबकी भलाई है, जहां सबकी विकास है, जहां सबको रोजगार है, जहां पलायनवादी हमारा रुक सकता है। हम विकास के साथ हैं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, हम स्वतंत्र आए हैं, जनता का स्वतंत्र विचार आया है, उनके प्रति मूर्ति के रूप में हम साकार रूप से खड़े हैं और उनका आशीर्वाद आया तो भागलपुर की विकास की बात हम करेंगे, सार्वजनिक तौर से करेंगे। रह गया सवाल कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो केंद्र में बनने वाली सरकार का हाथ मजबूत करेंगे, अवसरवादी बन करके भागलपुर का विकास करेंगे, विकास ही मेरा मुख्य मुद्दा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज हो गई। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधित विभागों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इसी बाबत आज भागलपुर की सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने आमजनों को मतदान देने के लिए जागरूक करते हुए एक रैली निकाली, जिसका जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के दौरान महाविद्यालय के प्रभारी, प्राचार्य, शिक्षक, दर्जनों छात्राएं मौजूद थी। जागरूकता रैली कॉलेज से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई चौक होते हुए तिलका मांझी फिर वापस अपने महाविद्यालय में समाप्त हुई। बता दें जिलाधिकारी इससे पहले कई क्षेत्रों में भ्रमण कर चुके हैं और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आप अपने मतदान के अधिकार को समझें और घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। आप अवगत हैं कि 26 अप्रैल को हमारे भागलपुर लोकसभा चुनाव है और इसके लिए इसको लेकर के हम लोग बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जो युवा वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व हैं और जिनकी उम्र हो चुकी है वो तो वोट डाले हैं, साथ ही जो अन्य युवा जो वोटर लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं है उनको मैंने दायित्व दिया है कि अपने परिवार और सगे संबंधी सभी को वो जागरूक करें कि जो भी हमारे वोटर हैं वो 26 अप्रैल को वोट जरूर करें। और एक अहम बात आपको बताना चाह रहे हैं कि चुनाव में जो वोटिंग का समय है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। कई हमारे ऐसे मजदूर बंधु हैं जो सवेरे खेत के काम के लिए निकलते हैं तो उनके लिए वक्त है कि शाम को भी वोट डालें, यदि कोई लेट से काम पे निकलते हैं तो वो चुनाव में वोट डाल करके ही निकले ताकि उन्हें एहसास हो कि इस लोकतंत्र में उनकी अहम भागीदारी है और उनको एहसास हो कि उन्होंने अपने मर्जी से अपने नेता को चुना है। हम लोगों ने लक्ष्य इस बार 85% का रखा है, अपने लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और हमारे लोग जो जितने सेक्टर पदाधिकारी हैं, BLO हैं और साथ ही अन्य अधिकारी हैं, सभी प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं और आम जनता से मुझे उम्मीद है और मेरा दरख्वास्त है कि वो अपने वोट को डाल करके इस लोकतंत्र को। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां विश्वविद्यालय में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं विश्वविद्यालय के औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक संबंध विभाग की छत से सीमेंट का चट्टान जमीन पर गिरे, जिससे कुछ छात्र घायल भी हो गए। आलम यह था कि देखते ही देखते वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद जानकारी कुलपति को दी गई, घायलों को जल्द से उठाया गया। वहीं घटना के बाद छात्र शिक्षक काफी भयभीत हैं। घटना की जानकारी विभाग के हेड भावना झा के द्वारा संबंधित को दे दी गई है। हम स्तब्ध हैं इस स्थिति को देखकर, आहत हैं और निःशब्द हैं। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में, सबसे बड़ी बात है कि लाइट नहीं है पूरे विभाग में, अभी जो है पूरे विश्वविद्यालय के किसी विभाग में लाइट नहीं है, और हम लोगों को बहुत प्रेशर रहता है विश्वविद्यालय से कि शीघ्र से सारे काम को करके दीजिए, तो हम लोगों को कॉन्फिडेंशियल वर्क करना निहायत आवश्यक था, और लाइट नहीं रहने की वजह से हम लोग चैम्बर में बैठ के काम नहीं कर पा रहे थे, तो बरामदे में बैठकर हम लोग काम कर रहे थे, और मैं मोबाइल के रोशनी में अपने एंटी चैम्बर से रजिस्टर निकाल कर आई और काम करने बैठी ही थी कि ये दुर्घटना हुई, और इससे ज्यादा आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। पूर्व में भी हमने इस संबंध में लिखित कई बार दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब मुझे इस संबंध में लिख के नहीं देना है। खुद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति भी 16 दिसंबर को इनका मुआयना करके गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था, लगता है अब जब तक किसी का बलि नहीं चढ़ जाता है तब तक इस विभाग का कल्याण नहीं होने वाला है। अभी वो लोग किसी मीटिंग में हैं, हमने डॉक्टर साहब को कॉल करके कहा कि ऐसी ऐसी घटनाएं आई है, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी जो है हम लोगों का हाई लेवल मीटिंग है, हम बोले यहाँ बहुत विषम स्थिति हो गई है, आप लोग आइए, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है आप लिखित बढ़ाइए। लिखित तो मैं पहले बहुत बार बढ़ा चुकी हूँ, इसलिए अब संबंध में कुछ कहना ही नहीं। आज की घटना ये हुई कि हम सभी लोग विभागाध्यक्ष के कक्ष से कई प्रकार के कार्य का संपादन करने के लिए बैठे हुए थे, और बिजली नहीं होने कारण हम लोग थोड़ी देर के लिए कक्ष से बाहर आए और कुछ कागजातों को लेने के लिए विभागाध्यक्ष और शिक्षकगण कुछ सारी कागजात चूँकि वहीं पे है तो गए। उसी दरमियान कुछ सेकंड में वो सारा का सारा छत का जो ऊपरी लेयर है टूट के गिर गया, और ऊपर वाले के मेहरबानी से हम सभी लोग बच गए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता था। इस हादसा के लिए हम लोग अपने आप को ऊपर वाले का शुक्रिया कहेंगे कि किसी तरह से बच गए, लेकिन ये कल नहीं होगा इस बात की तो गारंटी नहीं है। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग सेक्शन को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इसका कम से कम इस तरह का व्यवस्था कर दे कि हम लोग बैठ के कम से कम हम लोगों का जान जोखिम में ना हो।
भागलपुर की नवछिया के रेलवे पटरी पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने सबको जीआरपी थाना लाया। इसके बाद पुलिस ने युवक के पॉकेट से आधार कार्ड बरामद किया, जिससे युवक की पहचान हुई। घटना की जानकारी रेलवे पुलिस ने परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन जीआरपी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने सबकी पहचान की। मृतक युवक की पहचान नवछिया के खरीक थाना क्षेत्र निवासी विपिन यादव के 14 वर्षीय पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है। राजकुमार खेलने के बहाने घर से बाहर गया हुआ था, जिसके बाद से राजकुमार लापता था। मृतक के चाचा विपिन यादव ने बताया कि राजकुमार घर से खेलने के लिए निकला था, इसी दौरान ट्रेन पर सवार होकर कहीं भागने की तैयारी कर रहा था। मृतक के पॉकेट से रेलवे टिकट भी बरामद हुआ है। परिजनों ने आशंका जताई कि रेल पर गेट के पास बैठा होगा, इसी दौरान गिर जाने के कारण हादसा हुआ होगा या किसी ने उसे धक्का मार दिया होगा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जीआरपी पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो है ना सर, घर से निकल गया, हम लोगों को बताया नहीं और चुपके से वो चला गया स्टेशन के तरफ गया। हम लोग इधर उधर खोज रहे हैं, उसके बाद जो है स्टेशन जाकर टिकट कटाया, किधर से गया किधर पर जाकर कूद गया। अच्छा, ये कोई धकेल दिया, हम लोग देखने नहीं गए सर। क्या गाड़ी? ये ट्रेन से रेल दुर्घटना। जी जी हाँ। क्या लगता है कि आत्महत्या का प्रयास किया है या किसी ने साजिश के तहत इसको ट्रेन से धक्का दे दिया? नहीं, हमको तो ऐसा ही लगता है सर, गेट पे बैठा होगा, या तो हवा बयार लग गया हो या तो किसी का धक्का लग गया हो। कोई साथ में भी था इसके? जी नहीं, अकेला था। अकेला गया था। जी, जब गिरा ना तो उसके जेब में टिकट मिला। 30 तारीख को भागा था, 30 तारीख का टिकट है सर। कहाँ भागा था? घर से ऐसे निकला बुलने टहलने के लिए, उन्ना पट्टे हो गया, चला गया स्टेशन। घर से भागा था, कोई कारण न? वैसे बुलने टहल निकला था। ये घटना शनिवार को था सर। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? हम लोग घर में देखे कि लड़का हमारा गया है बुलने के लिए, वो नहीं आया। घंटा दो घंटा देखे, उसके बाद खोजने लगे तो नहीं है, मिला। ये उस दिन भर खोजे, दूसरे दिन जाकर हम खरीक थाना में आवेदन दिए सर। आवेदन देकर आए, उसके बाद शाम में वो जो है ना रेलवे के पास में गिरा हुआ, किसी ने देखा था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के 7 अन्य संगठनों के द्वारा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने बारी बारी से कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 वर्ष से संविधान व लोकतंत्र पर हमलावर रही है। चुनाव में विपक्षी चुनौती को खत्म कर देने की मोदी सरकार की कोशिशें साजिश जारी है। कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल भेज दिया गया था। भाजपा चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि युवाओं की बेरोजगारी विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। बेरोजगार आबादी में 83% युवा हैं। हम तमाम सरकारी रिक्तियां भरे जाने के साथ ही रोजगार को मौलिक अधिकार बनाए जाने और रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता की गारंटी के पक्ष में है। ठेका मानदेय पर बहाली पर रोक लगाने के साथ अस्थायी बहाली हो। सेना में बहाली के अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए। महंगाई पर रोक लगाने के साथ जन वितरण प्रणाली के दायरे में सबको लाने और जरूरी खाद्य सामग्री की उपलब्धता की गारंटी होनी चाहिए। आज जो बेरोजगारी का सवाल है युवाओं का इस देश में, जिस भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया, और इस देश के जो बहुजन समाज हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा, दलित, उन लोगों को भी ठगने का काम किया और संविधान को ख़त्म करने का काम किया है, जिसमें EWS जो इकोनॉमिक सेक्शन करके आरक्षण दिया गया है वो संविधान के खिलाफ में है। आप देख रहे हैं कि न्यायालय तक को आज नहीं छोड़ा जा रहा है, न्यायालय पर भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे दौर में युवाओं को सबसे ज़्यादा ठगने का काम इन्होंने किया है, अग्निवीर जैसी योजनाओं को ला करके। तो इस देश में जितने भी युवा हैं, और तमाम युवाओं से अपील हम लोग करने जा रहे हैं कि इस सरकार को हराया जाए। भी जानते हैं कि मोदी सरकार इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर वो आए हैं, अभी एजेंडा लेकर के आए हैं, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचारी इतने बड़े हैं, जिसका प्रमाण तो अब चुनावी बॉन्ड सहित सारे मामले में आ चुका है। यहाँ तक कि शराब घोटाले मामले में भी बीजेपी ने पैसे लिए हैं वो शराब माफिया से, जो जेल में आज भी हैं, जो केस के अंदर हैं। और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे नेताओं को जेल भेजने का काम
जारी रखी हुई है। दूसरी बात यह है, संवैधानिक संस्थाओं में जैसे ईडी है, सीबीआई है, जैसे आईटी है, इन तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों और नेताओं को डरा धमका करके इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। प्रखंड के ग्राम टोपरा टोला में त्यागी बाबा के द्वारा शिव शक्ति यज्ञ के आयोजन हेतु ध्वजारोहण किया गया। बाबा ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में 551 यज्ञ कराने का संकल्प लिया है, जिसमें टोपरा टोला में होने वाले यज्ञ उनका 197वां यज्ञ है। इस यज्ञ के लिए कलश यात्रा का आयोजन 13 मई 2024 को होगा। यज्ञ 14 मई 2024 से प्रारंभ होकर 22 मई 2024 को पूर्णा होती होगी। इस यज्ञ के लिए बाबा के द्वारा सभी प्रखंडवासियों से अपील किया गया है कि आप इस यज्ञ में तन मन धन से शामिल होकर यज्ञ की परिक्रमा में शामिल हो। ध्वजारोहण कार्यक्रम में त्यागी बाबा उर्फ इंटरनेशनल भिखारी के साथ हरेंद्र शास्त्री भी शामिल हुए। 2024 में हमारे त्यागी बाबा ने इस ग्राम में ध्वजारोपण किए, जो कि शिव शक्ति यज्ञ होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे ग्राम बस्ती है, सुखी संपन्न चाहने के लिए इस यज्ञ में भाग लें। अहो हम लोगों का भाग है कि बाबा के आ जाने से हम लोग, हमारे ग्रामवासी जितने भी नर नारी हैं, सब लोग खुशी हैं, प्रसन्न हैं। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण राम की कथा शिव की चर्चा सत्संग ये उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जिनका कि कई जन्म जन्मांतर का पुण्य जब एकत्रित होता है तब भगवान की कथा में जाने का शुभ अवसर मिलता है। और ये तो बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है बाबा के सौजन्य से। हम लोग बहुत बड़ा धन है, और धन है ये धरती, और धन है हमारे ग्राम, और धन है हमारे सूर्य भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय।